morning everyone. Now again you are on karate class. So today I am going to teach you round kick. Okay, so let's start round kick. So let's start kick. First back turn this side, right, turn back, turn side. Okay, 1 2 4. So this is a round kick and I'm going to teach you a slow motion how to do this kick properly. Okay, first take a step forward, right, turn properly, always up your knee and hip here. First turn on to and back, first go this side. हम लोग ऐसे भी मार सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप पीछे से जाके इसका स्टेप लेके मारोगे उसमें पावर ज्यादा आएगा इस तरीके से, राइट, और इजीली मार सकते हैं. तो ये तो हुआ कि राउंड के आप एक स्टेप लेके मारना है या एक स्टेप इसे स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर जितना ज़्यादा आप स्टेप लेके मारोगे उतनी ही ज़्यादा पावर आएगा और उतनी ही परफेक्टली आपको ठीक जाएगा. और स्टार्टिंग जो करते हैं हम लोग की वो स्लो मोशन में आता है, स्लोली मत करते हैं और वो पास में जो बिल्कुल क्लोज है वहाँ पर मारने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. ये इस सीरीज मारना है, राइट. और अगर हम लोग को पावरफुल अटैक करनी है तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्टेप पीछे होना है और अपना पोजीशन लेना है यहाँ से, इससे राइट, अदरवाइज ध्यान देनी है ये. ओके, इस तरीके से मारनी है. ये तो सिंपल राउंड किक हुआ है. अब इसी में अगर ज्यादा हाइट वाले बंदे मिल गए, ठीक है, जैसे लाइक अ खली, राइट, ऐसे लोगों को अगर आपको मारना है तो आपको इसमें जंप राउंड किक मारनी है. और वो मैं आप दिखा रहा हूँ आपको जंप राउंड किक कैसे करनी है और किस तरीके से आप इसको करोगे. ये तो रहा जंप राउंड किक. ठीक है, अब इसको जो हम लोग करने जा रहे हैं स्लोली दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा चेक करना. जितना ज्यादा जंप लेंगे उतनी ही बढ़िया की रहेगी. ये तो रहा कि जंप राउंड की ऑन स्पॉट. अगर एक इससे हम लोग पीछे लेके मारते हैं तो इसमें भी पावर और जंप हमारा और ज्यादा होता है, और इसलिए हम लोग को एक इससे बैक होके एक ही कैसे करना है. पहले आप चेक कर लीजिए कि स्लो मोशन में कैसे होता है और उसके बाद फास्ट में, राइट. So now you have to see one step back, then jump round kick, jump round kick. Okay. जितने भी ऊपर हम लोग मार सकते हैं इसको और जितना इसके बैक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने ज्यादा जंप करेंगे उतनी ऊपर किक जाएगी. So now have to see here, right? अपने से ऊपर 6 फुट के इंसान को मारना है तो कैसे करना है. नाउ नेक्स्ट किक बटरफ्लाई, दैट्स कॉल्ड बटरफ्लाई, टू राउंड किक. नाउ फ्रंट साइड राउंड किक. ओके, सो हैव टू सी फर्स्ट. सो नाउ हियर
So this is front side round kick. That's called butterfly kick. Okay? और अगर आप इस किक को करना है तो नॉर्मली आपको आगे वाले से थोड़ा सा टर्न करना है और अपने में पावर लानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक किक करना है। तो सर पहले यहाँ से टर्न करना है और यहाँ से एक लेग को उठाना है या और ओके यहाँ से टर्न फर्स्ट स्टेप बैक स्टेप हियर और यहीं से जंप करनी है और मारनी है किक को राइट। इस तरीके से किक करनी है राइट। जितनी ज्यादा इसको आप बोले इस स्टाइल में आओगे होंगे उतनी इजीली अब इसी किक को डबल करनी है। इस किक में एक किक और प्लस करते हैं हम लोग फर्स्ट मौसी करिए देन राउंड किक ओके दैट्स कॉल्ड बटरफ्लाई। इसमें आप एक दो तीन जितने भी किक आप प्लस कर सकते हो जितने देर तक आपके अपोनेंट जमीन पे नहीं गिरता उतनी देर तक आप इसको मार सकते हो मतलब कर सकते हो। अगर एक ब्लॉक हुआ एक मिस हुआ दूसरा अटैक करना दूसरा मिस हुआ तीसरा अटैक करना तो इस तरीके से कंटिन्यूस आप इस किक को कर सकते हो ओके। इस तरीके से आप कितने भी आप प्लस कर सकते हो ओके। सो राइट हियर तो इस तरीके से आप इस किक को आप प्लस कर सकते हो और जितना ज्यादा आप करोगे प्रैक्टिस उतने ही परफेक्शन आएगा। इसलिए अपना रेगुलर प्रैक्टिस चालू रखो और कंटिन्यूस करो ओके। थैंक यू एवरीवन बाय।